इसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ काफी नुकसान हुआ दुकानदारों का, कई परिवार को काफी नुकसान हुआ है सर। मैं कह सकता हूँ कि आज तक के इतिहास का ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। थुनाग का जो हमारा एसडीएम हेडक्वार्टर है, यहाँ का लगभग आधा बाजार तबाह हो गया है। लोगों के घर बह गए हैं, टूट गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और घरों के साथ साथ में क्योंकि ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी है, बहुत सारे लोगों की दुकानें जिसमें बहुत कीमती सामान उनके पास यहाँ पर दुकान में रहता है बेचने के लिए, उसमें से कुछ भी नहीं बच पाया है, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है। और मुझे सचमुच में इस बात को लेकर के बहुत खेद है कि यहां थुनाग में ना एसडीएम है, पिछले चार दिनों से एसडीएम यहां पर नहीं है, एक्शन पीडब्ल्यूडी यहां पर नहीं है, तहसीलदार यहां पर नहीं है, और भगवान भरोसे छोड़ दिया इस तरह से, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र जो है विपक्ष के नेता का विधानसभा क्षेत्र है, शायद इसी बात को लेकर के मैंने मुख्यमंत्री जी से भी पहले बात की है कि सब कुछ मत करो बंद। ठीक है, आपको तसल्ली मिलती है बंद करने से चीजों को, आप करिए, लेकिन मेहरबानी करके ऐसी घटना जब घटित हुई है, आपका तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है, एसडीएम नहीं है, आपका एक्शन पीडब्ल्यूडी नहीं है, सब कोई है ही नहीं यहां पर। मैं पिछले कल शाम से यहां पर हूं, लाइट यहां पर ठीक प्रकार से चल नहीं रही है, बीच में आई और उसके बाद फिर चले गई। ऐसे में गंभीरता से लेना चाहिए, और खास तौर से जब आपदा का ऐसा दौर आता है तो बहुत सजगता के साथ काम करना चाहिए। मैं मानता हूं पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति है, नुकसान यही नहीं हुआ, पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ, लेकिन उसके बावजूद सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि तुरंत राहत कैसे लोगों को, 10-10 फुट मलबा जो है लोगों के घरों में घुसा हुआ है, उसके बावजूद भी लोग वहां से छोड़ करके, घर छोड़ करके दूसरे अपने रिश्तेदार को घर में ठहरे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी प्रशासन का कोई आदमी पटवारी तक नहीं पहुंच पाया अभी तक उस प्रक्रिया को शुरू किया। आज जब मैं पहुंचा हूं तब जाकर के यहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ लोग जो है वो शुरू किए हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि फिलहाल मुख्यमंत्री जी से मैं इस बात के लिए आग्रह करता हूं कि आप सरकार में हैं, और सरकार में रहते हुए ये सबसे पहली जिम्मेवारी बनती है कि राहत कार्य युद्ध स्तर पर हो जब इस प्रकार की घटना होती है। हमने ऐसे दौर में से गुजर करके देखा है, लेकिन हमने रात को ही मशीनें लगा करके रास्ते खोल दिए। आज हजारों की संख्या में टूरिस्ट पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह रुका पड़ा हुआ है, फंसा पड़ा हुआ है। परिवार के लोग हमको फोन कर रहे हैं, परिवार के लोगों को, क्योंकि उनके पास वहां पर मोबाइल नहीं चल रहा है, बिजली की सप्लाई बंद होने के कारण चार्जिंग नहीं है, वो सुरक्षित है कि नहीं है, परिवार के लोग चिंतित हैं। तो ऐसे में कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए प्रदेश के स्तर पर था, जिसमें जो बाहर से जो लोग हिमाचल प्रदेश में आए हैं उनको, उनकी लोकेशन क्या है, क्या वो ठीक है, क्या उनको किसी चीज की जरूरत है, अगर जरूरत है तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए, किसी की कोई बीमार हो सकता है उसको दवाई की जरूरत है, किसी को खाना दो दिन से नहीं मिला है तो उनको खाना पहुंचाने की जिम्मेवारी है, तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी चीजें करनी चाहिए। लेकिन सचमुच में बहुत बड़ी निराशा है, और यहां आने के बाद अपने क्षेत्र में यहां आकर के मैं तो सच कह रहा हूं कि बहुत दुख हो रहा है कि बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है इस विधानसभा क्षेत्र।